हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का जो कंपनी का वैकेंसी आया हुआ है उस रिगार्डिंग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन। जो तो जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। ओके, तो ज़्यादा ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन इसमें पहला है शैथिल हानिया, जो शैथिल हानिया को इंग्लिश में हैस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, ठीक है, इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती है। तो सबसे पहले दोस्तों शैथिल हानिया क्या होती है, देखिए जो शैथिल हानिया होती है उसको डब्ल्यू एच से डिनोट करते हैं। तो डब्ल्यू एच बराबर जो होता है बी मैक्स 1.6 एफ वी वाट होता है, ठीक है, इसका मात्रक वाट होता है। तो देखिए किस पे निर्भर की, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है इस पे निर्भर कर रही है। देन उसके बाद पदार्थ का आयतन है, पदार्थ के आयतन पे निर्भर कर रही है। उसके बाद बी, जो बी मैक्स है यानी पदार्थ का जो अधिकतम फ्लक्स घनत्व है उस पे निर्भर कर रही है। तो यानी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, अधिकतम फ्लक्स घनत्व पे डिपेंड कर रही है और पदार्थ के आयतन पे डिपेंड कर रही है। यानी दोस्तों परिवेश के तापमान पे यह डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग हैस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों का फार्मूला लिख लेंगे। देखिए जो कोर लॉस होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है हैस्टेरिसिस लॉस, एक होता है ईडी करंट लॉस। ठीक है दोस्तों, ईडी करंट से क्या होता है, इसको दूर करने के लिए वार्निश हम करते हैं, ठीक है, कोर की वार्निश करते हैं, और हैस्टेरिसिस लॉस को दूर करने के लिए कोर में सिलिकॉन स्टील को मिलाते हैं। ओके, तो हैस्टेरिसिस लॉस का आप देख ही लिए हैं जो फार्मूला होता है डब्ल्यू एच बराबर बी मैक्स 1.6 एफ वी होता है, और जो ईडी करंट होता है डब्ल्यू ई बराबर होता है बी, क्या होता है, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी टी स्क्वायर भी, ये होता है ईडी करंट लॉस का। तो ये दोनों का फार्मूला इम्पॉर्टेंट होता है, आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। कौन सा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की गाढ़ा घुमावदार से संबंधित नहीं है। तो देखिए चार ऑप्शन दिया है, क्रॉस ओवर वाइंडिंग, सैंडविच वाइंडिंग, हेलिकल वाइंडिंग, डिस्क वाइंडिंग। तो दोस्तों इसमें जो सैंडविच वाइंडिंग होती है एक दूसरे में दबा कर रखी जाती है। ओके, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो गाढ़ा घुमावदार यानी विच वन ऑफ द वाइंडिंग डज नॉट बिलोंग टू कंसेंट्रिक वाइंडिंग टू ट्रांसफार्मर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सैंडविच वाइंडिंग होती है मतलब कंसेंट्रिक वाइंडिंग संबंधित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। जो पहली वाइंडिंग होती है उसे कंसेंट्रिक या इंटरलिप्ड वाइंडिंग कहते हैं, कंसेंट्रिक या इंटरलिप्ड वाइंडिंग कहते हैं। और दोस्तों जो ये जो इंटरलिप्ड वाइंडिंग एक हो गया और दूसरा कंसेंट्रिक वाइंडिंग, ये दो वाइंडिंग करते हैं और याद रखेंगे। और ट्रांसफार्मर के रेटिंग के अनुसार अलग अलग, जैसे क्रॉस ओवर होता है, हेलिकल होता है तथा डिस्क वाइंडिंग, ये सब की जाती है। ठीक है, क्रॉस ओवर वाइंडिंग, हेलिकल वाइंडिंग और डिस्क वाइंडिंग, अलग अलग वाइंडिंग की जाती है ट्रांसफार्मर के रेटिंग के अनुसार। ओके दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है याद रखेंगे के वी ए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है या वी ए वोल्ट एम्पियर में होती है। और दोस्तों ट्रांसफार्मर कभी भी अपरेंट पावर को चेंज नहीं करता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो एक और क्वेश्चन पूछता है, जो ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है वह सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, 95 से 98% होता है इसकी इफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप याद रखेंगे क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफार्मर को फेरोजोनेंट ट्रांसफार्मर नियामक कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों जो फेरोजोनेंट ट्रांसफार्मर नियामक होता है किसको कहा जाता है,
चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन मिसिंग हो गया है, इसमें दो ही ऑप्शन मिला है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में तेल का स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का संचालन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेवल ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल फॉल्स दैट लीड्स टू मूवमेंट ऑफ बफर प्लेट। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ट्रांसफार्मर को फेरोजोनेट ट्रांसफार्मर नियामक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर तेल का स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का संचालन होता है। ओके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफार्मर को फेरोजोनेट ट्रांसफार्मर नियामक कहा जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर आर कॉल्ड फेरोजोनेट ट्रांसफार्मर रेगुलेटर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन पहला दिया है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, दूसरा वेरिएबल वोल्टेज ट्रांसफार्मर, तीसरा ऑटो ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर को फेरोजोनेट ट्रांसफार्मर कहते हैं। दोस्तों इसे जो है कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे, इसे कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न अगला है, विभिन्न शीतलन विधियों को लागू करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रकार जिसका आकार 25 केवीए है चुना जाता है, यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो ऑप्शन चार दिए हैं। ऑप्शन पहला इसमें है स्पाइरिकल कोर ट्रांसफार्मर, आयल इमर्सन ट्रांसफार्मर, स्पाइरल सेल्फ कूल्ड ट्रांसफार्मर या ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों जो आपका 25 केवीए तक चुना जाता है यह ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखेंगे जो ड्राई प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है उसे हम नेचुरल शीतलन विधियों द्वारा 25 केवी तक प्रयोग करते हैं, ठीक है, फाइव तक प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछता है जो 500 केवीए होता है, याद रखेंगे 500 केवीए से जो अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर होते हैं वह क्या होते हैं, वाटर कूल होते हैं। वाटर कूल्ड विधि द्वारा ठंडा किया जाता है, याद रखेंगे। और तेल शीतलीकरण मतलब तेल कूलिंग के द्वारा, ऑयल कूलिंग के द्वारा 2 MVA 2 MVA तक प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है, ठीक है, और यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है, ठीक है, तो कौन से हो जाएगा। ऑप्शन पहला दिया है ट्रांसफार्मर ऑन डीसी सप्लाई, स्टेप डाउन, आइडियल और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो देखिए इसमें दिया है जो माध्यमिक वोल्टेज है, माध्यमिक वोल्टेज यानी जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से अधिक है। तो जब दोस्तों सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से अधिक होता है तो वह क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ओके, और जो जैसे प्राइमरी वोल्टेज है तो प्राइमरी वोल्टेज अगर ज़्यादा रहेगा सेकेंडरी वोल्टेज से तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है। ओके, दूसरे शब्दों में रखेंगे, जैसे जब सेकेंडरी वाइंडिंग, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, देखिए ट्रांसफार्मर हुआ तो ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर ज़्यादा टर्न है तो यह स्टेप अप कहलाता है, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न है कंपेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग तो इसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर करते हैं। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न है कंपेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग तब इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में पावर कभी भी चेंज नहीं होता है,
पावर की बात करें तो दोनों तरफ पावर समान होता है। कैसे समान होता है, तो देखिए P बराबर होता है V और I। तो अगर सेकेंडरी साइड में स्टेप अप है, ठीक है, तो प्राइमरी साइड में मान लीजिए P बराबर 20 वाट है, ठीक है, तो सेकेंडरी साइड में क्या होगा, 6 5 होगा वोल्टेज और 4 होगा करंट, तब ना 20 हो जाएगा, 5 चौके 20। इसी प्रकार प्राइमरी साइड में क्या होगा कि 5 ओम आपका करंट होगा, 5 एम्पियर करंट होगा और 4 एम्पियर वोल्टेज हो जाएगा। तो इसमें करंट का मान प्राइमरी में ज़्यादा है और सेकेंडरी में आपका वोल्टेज का मान ज़्यादा है, इसलिए पावर सेम ही रहता है दोनों कंडीशन में, आपका 20 वाट ही आने वाला है, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायस दोष होने पर एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों ये ग्लूकोज रिले होता है, ठीक है, याद रखेंगे, जो ग्लूकोज रिले होता है वह फॉल्ट होने पर ट्रांसफार्मर में अलार्म देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में इनपुट आई ए और आउटपुट आई बी करेंट और इनपुट वी ए और आउटपुट वी बी वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में जो वी ए होता है, वी ए अपान वी बी, ठीक है, बराबर आई बी अपान आई ए होता है। तो इसको करेंगे, जब आपस में गुणा करेंगे तो वी ए इंटू आई ए हो जाएगा बराबर वी बी इंटू आई बी हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला दिया है वी ए आई ए बराबर वी बी आई बी, तो दोस्तों इसका पहला ही सही हो जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, जो आउटपुट वोल्टेज होता है वह इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होता है। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं, इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज कम होता है, बिल्कुल गलत बात है, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा है, इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज आधा होना चाहिए, यह भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है, आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज के समान बनाए रखता है, यह भी गलत है। ऑप्शन चौथा है, इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही है। जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य होता है तो इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर के स्टील कोर के पास क्या गुणा होना आवश्यक है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। जो एक ट्रांसफार्मर के स्टील कोर के पास क्या गुण होने की आवश्यकता होती है, ऑप्शन पहला दिया है दोस्तों, उच्च भेदन और कम संवेदनशीलता यानी लो ससेप्टिबिलिटी, तो ये गलत है। दूसरा है, कम भेदन और कम हिस्टेरेसिस नुकसान, ओके, यानी लो परमेबिलिटी नहीं होना चाहिए किसी अवस्था में। जो अच्छे ट्रांसफार्मर होते हैं, मतलब जो स्टील के कोर के पास जो होता है, हाई परमेबिलिटी होना चाहिए। ओके, तीसरा दिया है, हाई परमेबिलिटी सही एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस, बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों जो कोर होता है, कोर में हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए और लो हिस्टेरेसिस लॉस होना चाहिए, तभी तो आउटपुट हमें जो इफिशियंसी है ज़्यादा मिल पाएगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी होती है यह परिवर्तित नहीं होती है, और बात करें तो पावर भी परिवर्तित नहीं होता है, और एक होता है अपरेंट पावर, तो यह भी परिवर्तित नहीं होता है इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने पर। ओके, तो तीन चीज़ परिवर्तित नहीं होता है, तो इस ऑप्शन के रिगार्डिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी होता है वह इनपुट से आउटपुट तक किसी मात्रा में परिवर्तित नहीं होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परिमित की अर्ध भार पर ताम्र हानियाँ उसकी पूर्ण भार पर ताम्र हानियों की तुलना में होगी। तो देखिए दोस्तों, जो आपका क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर ताम्र हानि जो होती है WC होती है। ओके, तो अर्ध भार पर
अर्ध भार पर ताम्रहानि क्या हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर इंटू डब्लू सी हो जाएगा। ओके, यानी डब्लू सी बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अतः अर्ध भार पर ताम्रहानियाँ पूर्ण भार के ताम्रहानियों की क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन से परिणामित का आकार अधिकतम होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जिसका जो केवीए होता है, सॉरी जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उस ट्रांसफार्मर का आकार अधिकतम होगा, ज़्यादा होगा। तो चार ऑप्शन में से देख लेते हैं, 25, 60, 50, 100। तो सबसे कम सबसे बड़ा आकार वाला जो होता है वह 25 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे, जिस भी ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका जो आकार होगा वह बड़ा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं तो यह ट्रांसफार्मर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्टेप अप कहलाएगा। द्वितीयक फेरा दिया है, यहाँ पे यह ट्रांसफार्मर हो गया, इसमें मान लीजिए 3 टर्म है और इसमें क्या है, 6 टर्न है, द्वितीयक में ज़्यादा है तो यह स्टेप अप हो जाएगा और यह स्टेप डाउन हो जाएगा। इसमें वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, इसमें करेंट का मान बढ़ जाएगा। ओके, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शर्त दो प्रणामित के समांतर कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, समांतर जो समांतर प्रणामित होता है उसका लिया उसके लिए जो होता है फ्रीक्वेंसी मस्ट भी सेम होता है, इम्पीडेंस मस्ट भी सेम होता है समांतर होने के लिए। ओके, तो पहला देख लेते हैं, प्रतिशत प्रतिबाधा समतुल्य होने चाहिए। ठीक है, दूसरा दोनों द्वितीयक की ध्रुवता समान होनी चाहिए, यानी पोलरिटी समान होनी चाहिए। तीसरा है विभव की रेटिंग समतुल्य होनी चाहिए, तो ये तब तो सही बात बोल रहा है। चौथा है केवीए रेटिंग शुड भी सेम होनी चाहिए। दोस्तों ये समान होना आवश्यक नहीं है। ओके, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कार्य करने के लिए, मतलब दो परामित को समांतर में कार्य करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है। तो परसेंटेज इम्पीडेंस शुड बी मस्ट बी सेम, ये होना चाहिए। दोनों द्वितीयक की पोलरिटी मस्ट बी सेम, यह भी होना चाहिए। विभव की रेटिंग यानी वोल्टेज रेटिंग शुड बी सेम, वोल्टेज रेटिंग भी सेम होना चाहिए, लेकिन केवीए रेटिंग शुड नॉट बी सेम। सो केवीए रेटिंग शुड बी सेम, केवीए रेटिंग सेम होना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक स्टार स्टार संयोजित 3 फेज परिणामित्र में फेज शिफ्टिंग होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छे से याद रखेंगे, जो स्टार स्टार संयोजित 3 फेज परिणामित्र होता है इसमें फेज शिफ्ट कितना होता है, 0 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री या 120 डिग्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो स्टार स्टार संयोजित होता है 3 फेज होता है इसमें फेज शिफ्टिंग 0 डिग्री होता है। ओके, तो और भी होते हैं अलग अलग, हम तालिका के माध्यम से सभी को देख लेते हैं। देखिए, वेक्टर ग्रुप प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली फेज शिफ्ट, ठीक है, ग्रुप 1 देख लेते हैं, स्टार वाई 0, तो स्टार स्टार तो फेज शिफ्टिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसा कि यही क्वेश्चन पूछा था। और डेल्टा डी 0, डेल्टा डेल्टा में भी फेज शिफ्टिंग 0 हो जाएगा। ग्रुप 2 में स्टार डेल्टा, अगर स्टार डेल्टा रहेगा तो -30 डिग्री हो जाएगा, और डेल्टा स्टार रहेगा तो भी -30 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, ग्रुप तीन में y11 स्टार डेल्टा में +30 डिग्री होगा। ठीक है, देन डेल्टा स्टार रहेगा तो +30 डिग्री होगा, इसमें ग्रुप 3 में yy11 और dy11 में, और लास्ट में ग्रुप 4 में yy6 में, यानी स्टार
स्टार में 180 डिग्री होगा, देन डेल्टा डी 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 सिक्स में डेल्टा डेल्टा 180 डिग्री होगा। तो दोस्तों सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है ग्रुप वाइज आपको याद रखना, ठीक है। पहले ग्रुप वन रखेंगे यार, ग्रुप टू रखेंगे, ग्रुप थ्री रखेंगे, देन ग्रुप फोर रखेंगे। तो ग्रुप वन में वाई वाई जीरो है और डी डी जीरो है, तो इसमें जीरो होगा। ग्रुप टू में वाई डी वन है, वाई डी वाई वन है, तो -30 डिग्री है। देन ग्रुप थ्री में वाई वाई इलेवन और डी वाई इलेवन, तो डेल्टा स्टार है, +30 डिग्री। ग्रुप फोर में वाई वाई सिक्स और डी डी सिक्स, तो इसमें 180 है। तो इस तालिका के माध्यम से आप सभी को याद कर लेंगे, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है यह प्रश्न, ओके। आपके एग्जाम में जरूर बिहार देखते हैं, बिहार बोर्ड में अलग अलग क्वेश्चन अलग टाइप के ही पूछ लेता है, तो ये सबसे आने का संभावना बन सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे, ओके दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफार्मर के सेकेंड पार्ट में, ओके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।